सुनो। अरे बेटा इतना रो क्यों रहे हो, क्या हुआ है? डॉक्टर साहब मुझे कुत्ते ने काट लिया है, बहुत दर्द हो रहा है। ओह नो, कुत्ते ने काट लिया? जरूर तुमने कुत्ते को छेड़ा होगा, जब भी तो तुम्हें काटा है उसने। डॉक्टर साहब मैंने उसे छेड़ा नहीं, तो उसने बिना वजह मुझे काट लिया, बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी इलाज करो। अच्छा अच्छा करता हूँ, इलाज करता हूँ। भाई तुम्हें कुत्ते ने काटा है, कुत्ते के काटे का तो सिर्फ एक ही इलाज होता है और वो होता है इंजेक्शन। डॉक्टर साहब लगा दे इंजेक्शन, मैं नहीं डरता। अरे तुम क्या समझते हो, तुम्हें आम इंजेक्शन लगेगा? आम इंजेक्शन नहीं लगेगा तुम्हें, तुम्हें पता है कौन सा इंजेक्शन लगेगा? तुम्हें लगेगा ये वाला इंजेक्शन। इतना बड़ा इंजेक्शन मैंने नहीं लगवाना, भागो भाई भागो। सिस्टर 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 पकड़ो 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 पकड़ो, आई 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 आई, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। मैंने पकड़ लिया। अरे भाई मुझे नहीं पकड़ना, उस बच्चे को पकड़ो जिसको कुत्ता काटा है। जाओ जाओ पकड़ो, मुझे खुद भी पकड़ना पड़ेगा उसको। आ लचक मैं आ गया, आ लचक मैं आ गया। अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, अब रुक, तू पकड़ा गया। डॉक्टर साहब जल्दी आए, मैंने इसको पकड़ लिया, जल्दी इंजेक्शन लगाए इसके। रुको रुको रुको, अभी लगाता हूँ उसके इंजेक्शन, अभी लगाता हूँ। डॉक्टर साहब आपने मुझे इंजेक्शन लगा दिया, वो भाग गया। सॉरी चलो उसको पकड़ते हैं, आ जाओ। डॉक्टर साहब आई है, ये पकड़ा गया, इसके इंजेक्शन लगाए। ओह नो, टीका लग गया। अब पता चला ना इतनी देर से हमें घुमा रखा था तुमने। आए मेरे हाथ पे काट दिया, मेरे हाथ पे काट दिया। डॉक्टर साहब उस बच्चे को तो कुत्ते ने काटा था, इसका मतलब आपको भी ये बड़े वाला इंजेक्शन लगेगा क्या? नहीं। अरे चल बेटा तुझे डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ, तुझे तो भूख बिल्कुल नहीं लगती। डॉक्टर के पास नहीं जाना, तो डॉक्टर टिक्का लगाते हैं। नहीं नहीं चल। अरे अरे डॉक्टर बहुत बड़ी बड़ी सुई लगाते हैं। कोई नहीं, डॉक्टर के पास तू अभी जाएगा, चल डॉक्टर के पास, बैठ इधर। जी फरमाइए क्या मसला है? अरे डॉक्टर साहब आपको क्या बताऊं, मेरा बच्चा कुछ खाता भी नहीं है, दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। ओके ओके, मेरे पास हर बीमारी का इलाज है, अगर आप चाहते हैं आपका बेटा दिनों में मोटा हो जाए तो उसका एक ही इलाज है। क्या डॉक्टर साहब, मेरा बेटा वो भी दिनों में मोटा, क्या इलाज है जल्दी से मुझे बताएं। वो है ये इंजेक्शन। क्या डॉक्टर साहब इंजेक्शन? हाँ इंजेक्शन, आपका बेटा इंजेक्शन लगवाते ही दो दिन में इतना मोटा गबनू हो जाएगा। तो देर किस बात की है डॉक्टर साहब, फिर लगाए इंजेक्शन? मुझे इंजेक्शन
डॉक्टर साहब, ये तो बच्चा है, मान जाएगा, इसके इंजेक्शन लगाएं आप। ₹5,000? अगर मैं इस बच्चे को इंजेक्शन ना लगाऊं तो ये बच्चा मुझे 5,000 देगा। डॉक्टर साहब, आप देर क्यों कर रहे हैं, लगाएं ना इंजेक्शन। हाँ हाँ, लगाती हूँ इंजेक्शन। अरे डॉक्टर साहब, आपने ये क्या किया, इसके बजाय मुझे इंजेक्शन लगा दिया। क्योंकि इस इंजेक्शन की आपके बेटे को नहीं, आपको जरूरत थी। ये पैसे मुझे दो। पैसे का पैसे की लगा दूं ढेरी। स्कूल का टाइम हो गया, चला दी दोबारा सो जा। अरे बेटा उठो, स्कूल का टाइम हो गया है। मम्मा मुझे बहुत ही बुखार हो रहा है, मैं नहीं जाऊंगा स्कूल। हैं? मुझे तो कोई नहीं लग रहा बुखार बुखार हो रहा है। चल खड़ा, अगर स्कूल नहीं जाता ना तुझे डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी। खड़ा। अरे चल ना डॉक्टर के पास। नहीं ओ, पेशेंट आ गए, जल्दी से रेडी हो जाता हूँ। आइए आइए बैठिए। जी फरमाइए, क्या मसला है? हाय डॉक्टर साहब, क्या बताऊँ मैं, रोजाना स्कूल के टाइम इसको बुखार हो जाता है और हाथ लगाओ तो ठंडा पड़ होता है। जरा आप ही चेक कीजिए इसको। अरे बहन जी, ये कौन सा मुश्किल काम है, अभी चेक करता हूँ इस बच्चे को मैं। बहुत बुरे फंस गए भाई, क्या करें। चलो बेटा आ करो। मेरा बेटा परेशान ना, अगर तुझे बुखार हो गया ना तो सही हो जाएगा तू। अरे अरे बहन जी, अरे बहन जी, इसको तो बहुत तेज बुखार है, जल्दी करो कुछ करो। अरे ये तो आग कितना तप रहा है और थर्मामीटर भी टूटने वाला है, इसके ऊपर पानी डालो, जल्दी करो। हाय अल्लाह, इतना तेज बुखार, जब ये सुबह तप रहा होता है बुखार में, मैं नीचे आती हूँ, पानी पानी ले रही हूँ। बहन जी, अब इसका बुखार उतर गया है, इसको आप घर लेके जा सकती हैं। चुप हो जा, बहुत तेज तुझे बुखार था, चल अब घर चल। मैं क्यों दूँ अपना लेस, अपना तो खा गई है, मेरे पे नियत लगा रही है। जब दूसरों का हिस्सा खाएगी तो पेट में तो दर्द होगा ना। चल मैं तुझे डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। वाह, आज तो प्यारी प्यारी सी डॉल आई है। आई पेट में डॉल आई। डॉक्टर साहब, ये अपना हिस्सा नहीं, हमारा हिस्सा भी खा लेती है, इसलिए इसके पेट में दर्द है, कुछ इलाज करें इसका। अरे भाई, ऐसे बच्चों के लिए तो मेरे पास सिर्फ एक ही इलाज है और वो है ये इंजेक्शन। इंजेक्शन।
इंजेक्शन से क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। तेरा बाप। पकड़ी गई। चलो इसको लेकर जाते। अब लगेगा प्यारी सी डॉल को प्यारा सा इंजेक्शन। बेटा अब आपको इंजेक्शन लग गया, आप जा सकते हो। मेरी बेटी ने क्या खानी है? टॉफी खानी है? पहले डॉक्टर पे चल लेते हैं, आपकी मामा ने चेकअप करवाना, फिर आपको चीज दिलाएंगे, ठीक है? चलो। अरे वाह, दो दो पेशेंट आज तो, वाह वाह वाह। आइए आइए। जी बहन जी, क्या हुआ बच्ची को? नो, मामा। डॉक्टर साहब, मुझे इसका चेकअप नहीं, अपना चेकअप करवाना है। अरे बहन जी, क्या मसला है आपका? क्या बताऊं डॉक्टर साहब, बहुत सर में दर्द रहता है। डॉक्टर साहब माफ करना, ये बच्ची ना मुझे अपना चेकअप नहीं करवाने देनी, जरा अपनी ऐनक तो देना बच्ची को खेलने के लिए। ऐनक चाहिए? अच्छा चलो देता हूँ। हाँ डॉक्टर साहब, मैं क्या कह रही थी, सर के साथ साथ मेरी टांगों में भी दर्द रहता है बहुत ज्यादा। डॉक्टर साहब जरा ये अपने गले वाला भी दे दो, बच्ची मांग रही है। ये वाला? हाँ। मेरी बेटी तो बन गई है डॉक्टर। डॉक्टर साहब जरा ये अपना कोट भी बच्ची को दे दो, खुश हो जाएगी। अरे अच्छा भाई, अरे ये बच्ची है क्या है, ये लो कोट। अरे बहन जी, आपने मुझे डॉक्टर से बना दिया छोटा बच्चा, और इस छोटी बच्ची को बना दिया डॉक्टर, अब मेरा क्या काम? इस कुर्सी पे बिठा दो इसी को। मेरी नन्ही मुन्नी डॉक्टर। चल आ जा बेटा, आ जा। तेरा बाप। अरे अरे, इस मुर्गी को यहाँ क्यों बिठा दिया? उठाएं इसे, पीछे करें। अच्छा पहले ये बता, तू डॉक्टर है ना? हाँ अम्मा जी, मैं डॉक्टर ही हूँ। अच्छा, मैं समझी तू कसाई है। अरे नहीं अम्मा, मैं कसाई नहीं हूँ, और ये मुर्गी किसी और से जिबा करवाना। अरे बेटा, मैं तो चेकअप करवाने आई थी। अच्छा अम्मा जी, चलें जल्दी से मुंह खोलें, चेकअप करवाएं। अरे पिछो, मैं अपना नहीं, अपनी लाडली का चेकअप करवाने आई हूँ। लाडली किधर है? आपकी लाडली किधर है? कहाँ है आपकी पोती? यहाँ तो नजर नहीं आ रही। No. अरे ये रही मेरी लाडली। इस मुर्गी का चेकअप? डॉक्टर साहब, दादी अम्मा को ये मुर्गी बहुत पसंद है। अरे अम्मा जी, मैं इंसानों का डॉक्टर हूँ, इन जानवरों का नहीं, जो आप इस मुर्गी का मेरे पास लेकर आ गए हो। तू सीधी शराफत से मेरी लाडली का चेकअप करता है यार। अरे अम्मा जी, करता हूँ एक मिनट। चलें बताइए, इसके साथ क्या मसला है?
पहले ये लाडली रोजाना अंडा देती थी, अब चार दिन हो गए इसने अंडा नहीं दिया। मैं तो अंडा खाने से ही तरस गई। दादी अम्मा आप तो रोज मेरा अंडा छीन के खा जाती हो। चुप होके बैठ। अरे अंडा अंडा अंडा, ये अंडा तो मैं खाऊंगा, ये अंडा तो मैं खाऊंगा। ओ मेरी लाडली ने अंडा दे दिया, दे मेरी लाडली का अंडा, अरे दे दे मेरा अंडा। अरे इसने ये अंडा मेरे क्लिनिक में दिया, ये मेरा अंडा। तो लाडली तो मेरी थी, दे मेरा अंडा। नहीं नहीं, दे मेरा अंडा है, दे मेरा अंडा, अरे दे मेरा अंडा। अरे अम्मा जी ये क्या किया आपने? तेरी वजह से अंडा फूटा, ना खुद खाया अंडा ना मुझे खाने दिया। चल बेटा उठा अपनी लाडली, लाडली ठीक होगी, उठा। हाँ चल इस डॉक्टर के पास दोबारा।